अप्स बात नहीं कर अप्स रहा हूं एंड मैं, डाउन होते बॉस से रहे। अलग चले, कह इसी दो बीच तो एक बड़ी बात। जानकारी आ रही है, बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें कि ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ही आपको बता दें कि अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें कि 78,000 वोटों से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। बड़ी जानकारी, 78,000 वोटों से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। पल्लवी जी, स्मृति ईरानी बड़ा नाम और केंद्रीय मंत्री पीछे चल रही हैं, क्या कहेंगी? अभी मैं इस पे कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ और अभी नतीजे भी आए नहीं है। जैसा कि अभी जैनेन जी भी बता रहे थे कि 35-40% ही मैक्सिमम अभी वोटिंग काउंटिंग हुई है, तो अभी हमें वेट करना चलिए, चाहिए अब कुछ भी। आपको क्लियर कर देता हूं कि स्मृति ईरानी की हार हो गई है, ये नतीजे हैं। अब बोलिए। तो बिल्कुल इस पर मंथन करने की आवश्यकता है कि क्यों हुआ। अगर हार हो चुकी है तो बिल्कुल ये तो देखना पड़ेगा कि क्यों हुआ, क्या ऐसा क्या हुआ, और इस पर एक दो दिन बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई क्यों ऐसी स्थिति हुई, क्यों हार हुई। तो अभी तो मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकती। अरे रोहित भाई, कम से कम आप तो ऐसे ऐसे मत मुस्कुराइए। नहीं, जो जनता के लिए काम नहीं करेगा वो हारेगा, इसमें क्या है? इसमें क्या, स्मृति ईरानी कोई हेलीकॉप्टर से थोड़ी ना उतरी है? अगर जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो हारेंगी, ये कोई कोई अरे बहुत जैनेन बड़ी जी, चीज नहीं जैनेन है जी, भाई। सरकार बननी चाहिए, सरकार सुभाषपा से भी इम्पोर्टेंट है पीछे बनना। चल रहे हैं राजभर के बिल्कुल बेटे मैं जी। रोहित जी से अग्री करती हूँ कि सरकार तो हमारी आ ही रही है, तो जैनेन बाकी जो जी, चीजें जो हमारी सीटें कम हुई उन पे हम मंथन करेंगे, उस पे देखा जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ। तो वो तो सही सुभाषपा बात। भी पीछे चल रही है, ये भी जैनेन जी, इस पर भी आप मंथन कीजिए और बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ, सुभाषपा बिल्कुल पीछे चल रही है घोसी से, उसमें कोई अभी चौंकने की बात नहीं है। और दूसरी चीज की घोसी में लगभग 19 लाख मतदाता है, 53.7% मतदान हुआ, साढ़े लगभग 11 लाख मतदाताओं ने वोट किया है। और अभी काउंटिंग जो हुई है वो केवल 3,98,000 वोटों की काउंटिंग हुई है, तो ये 35% से लेकिन भी कम लेकिन है। एक तो एक बात, आप तो सोच आपके सकते बड़े नेता ओपी हैं राजभर बलिया मऊ पूर्वांचल के कई सारे ऐसे सीट थे जिसपे अपना प्रभाव बता रहे थे, लेकिन हार गए हैं सब जगह। नहीं, अब प्रचार तो देखिए, जब पार्टी के साथ प्रचार होते नहीं हैं और प्रभाव। हमारी भी चाहे पार्टी के कैंडिडेट हो सबके लिए करते हैं, लेकिन जहां पे जनता अगर कहीं पे नाराज है तो उसमें मतलब जनता अपना वोट दे रही है तो उसको हम स्वीकार करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप केवल 4 बजे तक का इंतजार करिए, अगर मुद्दे की जो बातें हैं अगर वो सॉल्व हुई है जनता की, तो जाहिर सी बात है जनता खुश होगी और जनता वोट देगी। दूसरी चीज है कि 2 बार के बाद भी अगर हम बहुमत प्राप्त करने जा रहा है हमारा गठबंधन, तो इसका मतलब ये है कि इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि 3 बार लगातार कोई प्रधानमंत्री बना हो नेहरू जी को छोड़ के, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो चाहे इंदिरा जी रही हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव रहे हो या अटल जी रहे हो, तो वो अलग चीज है कि उनकी सरकार बार बार कहती गई 13 दिन 13 महीने और फिर 5 साल चली, तो वो अलग चीज है। लेकिन पूरा कार्यकाल करने के बाद तीसरा टर्म पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, देश के इतिहास के लिए एक अविस्मरणीय पल है, तो इसे हम ऐसे ही नहीं भूल सकते हैं। चले रोहित जी, आरएलडी की स्थिति थोड़ा स्पष्ट करेंगे। चले ठीक है, रोहित जी हमारे साथ नहीं, पल अभिषेक जी, जिस तरीके से आपकी अभी आप अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे थे, कह रहे थे, तो एक बात है, कहते ना यूपी में दो लड़कों की जोड़ी इस बार हिट हो गई, कह रहे थे कुछ लोग कह रहे थे दो लड़कों की जोड़ी वाली जो फिल्म है फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन ये फिल्म जो है अभी सुपर हिट होती हुई नजर आ रही है। देखिए, आप इसको दो लड़कों की जोड़ी कह दीजिए या कुछ भी कह, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अरे युवा है। दो जगह के कार्यकर्ताओं की, उनके हौसलों की और सबसे बड़ी चीज जनता जनार्दन की जो जज्बा है, उनकी जीत होगी। और जनता ने, आप सबसे बड़ी चीज देखिए कि ना ही हिंदू की तरफ देखा, ना ही मुस्लिम की तरफ देखा, ना ही मंगलसूत्र की तरफ देखा, ना ही मुर्गे की तरफ देखा, ना ही मुजरे की तरफ देखा, उसने सिर्फ देखा तो बेरोजगारी की तरफ देखा, उसने देखा तो पेपर लीक पे देखा, उसने देखा तो महंगाई पे देखा, उसने देखा तो छुट्टा जानवरों पे देखा, और उसने देखा तो कैसे भ्रष्टाचार हुआ इसको भी देखा। बहुत सारे मुद्दे रहे, उन मुद्दों पर वोट डाला है, ये मुद्दे ही सबसे बड़ी चीज थी। जनता जनार्दन ने चुनाव लड़ा है, हम कार्यकर्ता तो मेहनत करते रहे, और आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। बिल्कुल,
पल्लवी जी एक सवाल, देखिए विश्व आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में फर्क होता है, क्या आपको लगता है कुछ लोगों को अति आत्मविश्वास हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, जिसकी वजह से एक नतीजे का जिस वजह से इस तरीके के नतीजे आए? देखिए अति आत्मविश्वास ऐसा तो कुछ मैं नहीं कहूंगी, बिल्कुल इस पे मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने सोचा था कि 400 पार सीटें हमारी आएंगी और जहां तक अभी रुझान और उसके हिसाब से लग रहा है कि हम 350 तक लगभग पहुंचेंगे, 320 से 350 के बीच में पहुंचेंगे, क्योंकि अभी बाकी है, अभी काफी सारी काउंटिंग बाकी है। और रही बात इसकी, देखिए जन पूरी तरीके से बहुमत में है, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि तीसरा टर्म आप रिपीट थर्ड टाइम रिपीट करने जा रहे हैं और ये शानदार जीत होगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की। तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं चलिए मैं आऊंगा आप लोगों के पास, एक बड़ी जानकारी आ रही है, दर्शकों को बता दें कि बड़ी जानकारी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता दें, मेरठ सीट पर दिलचस्प मुकाबला, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, मेरठ सीट पर दिलचस्प मुकाबला, बीजेपी को थोड़ी राहत मिली है, बड़ी जानकारी, सपा प्रत्याशी सुनीता शर्मा सुनीता वर्मा, बड़ी जानकारी, बड़ी जानकारी, मेरठ में बीजेपी को थोड़ी राहत जरूर मिली। तो आपको बता दें पहले 42,000 था मार्जिन बीच में अंतर, लेकिन अब 7,000 हो गया, यानी हो सकता है कि आगे निकल सकते हैं। चलिए अभिषेक जी आप कुछ कह रहे थे चर्चा के बीच में, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए। सुनने अब देखिए मीडिया के माध्यम से सुनने में तो आ रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कांग्रेस पार्टी से बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी से चर्चा कर रहे हैं, तो अब सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है। अब असलियत तो जैसे पल्लवी जी ने कहा और जैनेन्द्र जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, शाम को 4 बजे तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और कुछ लोग तो भारतीय जनता पार्टी में आप भी समझ रहे हैं कि अपनी दिल के बोझ रख करके शायद जुड़े हुए हैं, तभी वो इधर उधर बदले झांकते हुए नजर आ रहे हैं। तो पल्लवी जी जिस तरीके से अभिषेक जी कह रहे हैं ऐसा है क्या? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और अभी 4 बजे तक का इंतजार करें, पहले नतीजे पूरे आने दें, और नतीजे आप अभी भी देख रहे हैं कि फेवर में ही है हमारे, बस इसका आंकड़ा जो है वो बढ़ना बाकी है। तो 4 बजे तक का इंतजार करें, ये आंकड़े जो है बिल्कुल 400 पार या 400 तक नहीं पहुंच रहे हैं, पर हाँ बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार के साथ अपनी फिर से तीसरी बार बनाने जा रही है, सत्ता में आ रही है। ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि किसी भी इतनी सारी विषम परिस्थितियां होने के बावजूद आपने भी देखा कि कितनी सारी पूरे देश की जितनी भी पार्टियां हैं सब इकट्ठा एनडीए गठबंधन लेके बैठी हैं सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, इस जिसमें टीएमसी भी शामिल है, टीएमसी जो। चलिए मैं आऊंगा अभिषेक जी, आऊंगा, एक बड़ी जानकारी आ रही है अभिषेक जी, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि कैसरगंज सीट से बीजेपी प्रत्याशी आगे, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि करण भूषण शरण सिंह 81,000 मतों से आगे चल रहे हैं, विभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, बीजेपी प्रत्याशी पर जनता ने जताया भरोसा, बड़ी जानकारी, बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख पा रहे हैं। चलिए अभिषेक जी बोलिए क्या कह रहे थे आप। अगर मैं पल्लवी जी से जानना चाह रहा था कि जानकारी मेरी कम है कि अगर बाई चांस मान लीजिए आपके कुछ गठबंधन के साथी अगर कांग्रेस के साथ आ जाते तब आप क्या था? वाइस वर्सा आप बताइए, अगर आपके इंडी गठबंधन के जो इतने सारे हैं और उसमें से कुछ साथी आपके इधर आ जाते फिर आपकी कितनी सीटें रह जाएंगी? देखिए जो हम तो अलग अलग तो हम तो वैसे भी आप मान रही है, देखिए हम तो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, आप भी दावा कर रही है, सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार सरकार बना रही है, आप इलेक्शन कमीशन की इस पे जाके साइट पे देख लीजिए, जो आप बात कर रहे हैं कि आपकी एनडीए परिवार के लोग इधर आ रहे हैं, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि इंडी गठबंधन के अगर आपकी कुछ पार्टियां हमारी तरफ आ रही उस पर आपका क्या कहना है? तो जाहिर सी बात है हम विपक्ष में ही बैठेंगे, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। देखिए आप आ रही है नहीं, इसीलिए आपसे कहा अभी इसके लिए हमारे साथ थोड़ा टाइम है, देखिए
देखिए उत्सुकता और देखिए उत्सुकता बनी रहनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा वक्त है। बिल्कुल गलत ऐसा सवाल आपने मुझसे पूछा अभिषेक जी, आपने ऐसा सवाल पूछा अभिषेक जी। अभी हम जोड़ तोड़ की राजनीति बात नहीं कर रहे हैं अभिषेक जी। देखिए लड्डू लड्डू भी पटने शुरू हो गए हैं, तस्वीरें आ रही है, ठीक है अभिषेक जी। है जिसकी कोशिश आप करके देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। ये कोशिश आपकी तरफ भी कुछ लोग आ जाते हैं, अभी रुक जाइए आप लोग, अभी रुकिए, अभी हो सकता है आप एनडी एनडी गठबंधन के लोग उसकी फोटो लेना और स्मृति सॉरी प्रियंका गांधी और शर्मा के। तो अभी अभी रुकिए, इन सब चीजों का अभी बात करने का औचित्य नहीं है कि कौन जोड़ रहा है तोड़ रहा है। अभी हम नतीजों पे बात करें, उस पर ही फोकस कीजिए, कहां ज्यादा हो रहे हैं कहां कम हो रहे हैं। चलिए हमारे साथ हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, टैली हमारी लगातार बता रही है कि एनडीए 36, इंडिया गठबंधन 43 और अदर्स एक सीट जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये क्या चल रहा है? क्योंकि आप ने हर एक ग्राउंड पर आप गए हैं, देखे हैं, लोगों से बात की है, क्या इस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी आपको भी? सौरभ देखिए, यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जिन प्रत्याशियों के टिकट रिपीट हुए हैं वहां पर एंटी इनकम्बेंसी थी, और जो सबसे बड़ी बात है जिसको लोग समझ में नहीं आप समझ नहीं पाए, जिस तरीके से जो विपक्ष है वो कंफ्यूजन जो क्रिएट करने में कामयाब रहा, खासतौर पर आरक्षण के मुद्दे को लेके, उसके अलावा आरक्षण के मुद्दे के साथ साथ अगर आप देखें तो संविधान बदलने की जो बात थी, ये दोनों बातें बड़ी हो गई और उसका परिणाम आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रत्याशियों को लेके जो चयन किए गए थे, जिन लोगों के टिकट रिपीट हुए थे, उसमें बहुत सारे लोग जो है चुनाव हार गए हैं। हारने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उनके खिलाफ अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी थी और उसका परिणाम आपको देखिए जमीन पे नजर आ रहा है। बिल्कुल अरविंद जी, अभी देखिए अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और पल्लवी जी पर उन्होंने थोड़ा सा तंज कस दिया और उन्होंने कहा कि कुछ पार्टी आपके लोग हमारे यहाँ चले आए तो हम सरकार बना लें, तो इसको आप कैसे देख रहे हो? सकता है कि इनका अपना व्यंग रहा हो, लेकिन क्या इस तरीके की स्थिति है, हो सकती है क्या? एक संपादकीय टिप्पणी ले लीजिए अभिषेक जी, संपादकीय टिप्पणी ले लीजिए। अभिषेक नेता है और हमेशा नेता जो है, मेरा ये मानना है कि पॉलिटिक्स में ना कोई किसी का दोस्त है ना कोई किसी का दुश्मन है। हाँ। वक्त के हिसाब से जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं, हमने यही देखा है, और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो उन्होंने समय के साथ पार्टी बदली, अपने आप को नेता बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बने, बाद में फिर उन्होंने दोबारा पार्टी बदली, तो इन सब बातों का आपको ही मतलब रह नहीं जाता है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है, और मैं ये भी मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने खासतौर पे जो यादव परिवार जो वंशवाद का एक आरोप लग रहा था तो उसमें ज्यादातर लोग चुनाव जीत गए हैं, जीतने की ओर अग्रसर है। फिरोजाबाद की अगर हम बात करें तो फिरोजाबाद में बेहतर स्थिति में है अक्षय यादव, मैनपुरी की बात करें तो डिप्पल यादव वहां बेहतर स्थिति में, बदायूं से इनके लिए अच्छी खबर नहीं है, वहां पर आदित्य यादव पीछे चल रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं आजमगढ़ से, ये भी बड़ी खबर है। उसके अलावा जो पूरा यादव बेल्ट है वहां पे समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सौरभ, अब मैं एक खबर फिलहाल दिखाना चाह रहा था कि एक फोटो जो है प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है किशोरी लाल शर्मा के साथ, मैं पीसीआर से कहूंगा कि वो फोटो वो तस्वीर जरा दिखाएं। पीसीआर टीम, अरविंद सर जो कह रहे हैं वो आप फोटो